अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं गुड़ वाले चावल बनाने जा रहा हूँ। इज़्ज़ा चावल 1 किलो, गुड़ 1 किलो, देसी घी 150 ग्राम, खोपा ग्रीड 1 कप, सब्ज़ इलायची 4 अदद, सौंफ 2 टेबल स्पून, किशमिश हाफ कप। 1 किलो चावल मैंने पानी में भिगो कर रख दिए। चावल बॉयल करने के लिए पानी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। 1 किलो गुड़ को मैंने कूट लिया था, 150 ग्राम देसी घी, हाफ कप किशमिश, 1 कप खोपा गिरी, 4 अदद सब्ज़ इलायची, सौंफ 2 टेबल स्पून, मैं गुड़ में पानी डालूंगा 3 कप। तीन कप पानी मैंने डाल दिया। अब इसको चूल्हे पर चढ़ा दूंगा हल्की आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं चढ़ाना, हल्की आंच पर भी इसको मेल्ट करना है, वेल्डिंग आने देना। चावल मैंने बॉयल कर लिए, अब इसको मैं एक परात में निकाल दिए ठंडे होने के लिए। अब मेरा ये गुड़ का शीरा तैयार हो चुका है। अब इसको एक डिश्की में अलग छान लूँगा। ये मेरा शीरा छान के तैयार हो चुका है। देसी घी मैंने डाल दिया, लेकिन आज पर इसको तड़का बनाएंगे सौंफ और सब्ज़ इलायची का। बिल्कुल हल्की आंच पर थोड़ा हल्का सा भूनेंगे, सिर्फ हल्का सा खुशबू आने लग जाए, बिल्कुल हल्की आंच पर जलाना नहीं। ये मेरा चावलों का तड़का तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर शीरा डालूंगा।
जो ही हल्का सा बॉयल आएगा इसके अंदर चावल डाल दूंगा। अब हल्का सा बॉयल आने शुरू हो गया, अब इसमें चावल डालूंगा। बस इतना बॉयल आना चाहिए, चावल मिक्स कर दूंगा। ज़्यादा शीरा पक जाए तो चावलों को सख्त कर देता है। अब चूल्हा तेज करेंगे, तमाम का तमाम पानी खुश्क होने तक। फिर इसके अंदर किशमिश, कोपागिरी डालकर दम लगाएंगे। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। अब फुल तेज आंच करेंगे, थोड़ा पानी ड्राई करेंगे, फिर चावलों को दम लगाएंगे। दस मिनट तक के लिए दम लगाऊंगा। अब मैंने तेज़ आंच कर दी है, चावल पकना शुरू हो चुके हैं। एक दफ़ा तमाम चावलों को मिक्स करूँगा इसके अंदर, ताकि तमाम के तमाम चावलों के अंदर शीरा लग जाए।
अब पानी खुश्क होना शुरू हो गया, अब इसको दम लगाऊंगा। अब मैं चावलों को दम लगाने लगा हूँ। तकरीबन 10 मिनट तक दम लगाऊंगा। खोपा गिरी डाल दिया, उसके ऊपर किशमिश डाल दूंगा। दस मिनट तक के लिए दम लगाऊंगा। दस मिनट हो चुके हैं, अब मैं डिश आउट करूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल तैयार पक तैयार हो चुके हैं। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं।